प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत है। द्वेषकारी तो ढोंग सोंग तू आणी सर्व खोटे पणा वास करू दे माझ्या मनात बालकाचा सरळपणा वास करू दे माझ्या मनात बालकाचा सरळपणा। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे। हम पढ़े लुका 16 का उसका 19 से 31 तक हम पूरे भागों को कुछ भागों को पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वो धनवान भी मरा गाड़ा गया। पादोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आँख उठाकर दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो दुष्टांत बताया स्वर्ग और नरक के बारे में हम देख सकते। एक धनवान व्यक्ति है और उसका नाम नहीं बताया, मगर एक लाजर जो कंगाल है उसका नाम प्रभु ने बताया। तो यहाँ पर हम देखते कि स्वर्ग या नरक की घटना है, सच्चाई को बताने वाला दुष्टांत है। एक बार मरना है, न्याय का निश्चित पृथ्वी का दूसरा नरक का भिखारी, धरती का दुख टूटने का समय का भिखारी। दो वास्तविक, एक थोड़े समय के लिए भिखारी है, एक थोड़े समय के लिए धनवान है। एक नरक दूसरा स्वर्ग, एक दुख दूसरा आनंद, एक जीवन दूसरा मृत्यु। पृथ्वी की बात है आनंद की, दो बात स्वर्ग या नरक, जीवन या मृत्यु। वास्तविकता का जीवन है के बाद भी वास्तविकता है। 19 से हम 21 में हम देखते हैं कि लाजर को कोई मदद करने वाला नहीं था, मगर परमेश्वर ने उसको सहायता किया। और वो धनवान व्यक्ति के बारे में भी हम देख सकते हैं कि वो अधर्मी है, वो संसार का एक जीवन को जीने वाला है और ऐश आराम से अपना जीवन को जीता है, सुहाती है, मगर वो कभी भी उसने लाजर के ऊपर तरस नहीं खाया, कभी लाजर के ऊपर उसने कुछ उसको मदद नहीं किया। मगर लाजर को हम देखते कि और वो एक गरीब है और इस संसार में उसको कोई मदद नहीं है, मगर उसको बड़ उसका जीवन को हम देखते कि उसका जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ एक अच्छा था। मगर धनवान का जो जिंदगी संसार का जिंदगी, संसार का मौज मस्ती से अपना जीवन को जी रहा था। वह धनवान व्यक्ति का सभी प्रशंसा करते क्योंकि उसके पास धन दौलत सौरस सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है क्या उसको छुड़ाने के लिए एक जन छोड़ रहा है? दुख। और वहाँ पर हम देखते कि अब जो उसका अंधा स्वाति और वह अपना जीवन को जीने वाला, अपने हृदय से चलने वाला और बहुत बेजनी वस्त्र पहनता था, राज के वस्त्र। और वहाँ पर हम देखते कि उसका पूरा जीवन जो पूरा इस पृथ्वी पे था, पृथ्वी के बातों के ऊपर मन लगाता था और पृथ्वी में अपना जीवन को जीता था। प्रभु बोला कि अगर एक इंसान पूरा दुनिया को प्राप्त कर दे, आत्मा खो दे तो क्या फायदा है। तो मैं आपको उद्धार के विषय में यहाँ पर बताता हूँ कि मेरे संपत्ति के आधार नहीं है, उद्धार मेरे संपत्ति के आधार नहीं है, स्वर्ग का मार्ग मेरे संपत्ति के आधार पर नहीं है। एक दिन में वो उस समय जो बाइबल का पंडित लोग बोलते हैं कि वो 1,00,000 खर्चा करता था, वो इतना धनवान व्यक्ति था, और उद्धार मेरे संपत्ति के आधार पर नहीं है, परमेश्वर के अधीन ही उद्धार है। परमेश्वर की आपकी संपत्ति की
आप संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। जैसा लुका लुका में हम लोग पढ़ सकते कि लुका उसका 12 का वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के एक व्यक्ति आके क्या बोलते हैं, हम लोग उस बातों को पढ़ेंगे। लुका उसका 12 का उसका 13 से 15 तक वहाँ पर पढ़ते हैं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट दे। उसने उससे कहा, यीशु ने, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारे न्याय बंटवारा का नियुक्त किया है? उसने उससे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत पैसे में है। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ के बोलता है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, किसने मुझे इस बातों का ठहराया है? तो वहाँ पर हम देखते कि प्रभु भी इस बातों को के ऊपर प्रभु उसको झाड़ता है। वहाँ पर हम एक रिश्तेदार को देख सकते, एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता हमको कभी भी सुरक नहीं लेके जा सकता है। 24 और 25 में वहाँ पर हम अब्राहम पिता और उस धनवान व्यक्ति के बारे में देख सकते। वो धनवान व्यक्ति बोलता है कि लाजर को बोलो पिता मुझे पानी दे, और पुत्र बोलता है अब्राहम कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तु ले चुका है। तो पिता पुत्र स्वर्ग में, पुत्र स्वर्ग में, पुत्र नरक के कुंड में पुत्र है। स्वर्ग में पिता है तो नरक के कुंड में पुत्र है। उद्धार हमारा रिश्तेदार हमें उद्धार नहीं देता है। रिश्तेदार हमारे इस संसार में हमको इधर ही मदद करेगा, अगर सारे रिश्तेदार एक दिन तोड़ जाएगा। जो आत्मिक रिश्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ होने चाहिए। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोला, कौन है मेरा भाई, कौन है बहन जो मेरा वचन को सुनता है? तो प्रियजनों, हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति जो अपने जीवन को, धनवान व्यक्ति संसारिक जीवन को जीता था, मगर हम देखते कि उसका भी मृत्यु आया, लाजर भी मृत्यु मरा, मगर वहाँ पर धनवान व्यक्ति जब मरा तो सब लोग उसके प्रशंसा किया, बहुत बड़ा जुलूस निकाला, बहुत बातों को बताया, बहुत भलाई बातों को बताया। मगर वहाँ पर हम देखते कि वो इस पृथ्वी में था, अच्छा कर्म अच्छे करने से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। एक यहाँ पर हम देखते कि वो व्यक्ति मरा और सीधा उस नरक में गया, मगर वहाँ पर हम देखते वो लाजर जो मरा, और लाजर किधर गया? स्वर्ग में गया। तो कोई मददगार करने वाला नहीं था, एक उद्धार पाया, एक उद्धार पाया नहीं, दोनों का चित्र को वहाँ पर हम देख सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने निकोदेमस को भी इस बातों को बताया कि जब तक कोई जल आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो प्रभु का राज में नहीं जाएगा। और प्रभु बोला, तू इसराइल का गुरु हो के भी इस बातों को नहीं जानता है। इसका मतलब क्या है? इसराइल का गुरु मतलब सिखाने वाला, बहुत बड़ा पदवी पे, एक बहुत बड़ा पास्टर, एक बहुत बड़ा पदवी पे सब कुछ सिखाता है, मगर अभी तक उद्धार नहीं पाया। और जल जो परमेश्वर का वचन को बताता है, और पवित्र आत्मा से जो जन्म लेगा वो प्रभु के राज में जाएगा। फिर जो ना प्रभु ने हमको एक और नया साल दिया है। हम देखते कि बहुत सारा कुश्ती है, मगर वो वहाँ पर हम देखते कि उनका जीवन ये संसारिक का जीवन है। और उस बातों को याद दिलाता है कि तेरे पास, तिमोथी को बोला, तेरे पास खाने पीने करेगा उस पर संतुष्ट है। जो दम धन संपत्ति के पीछे जाते वो विनाश के समुद्र में चले जाते और वो मनुष्य को बिगाड़ देता है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह भी इस बातों को बोला, किसने मुझे ठहराया? तो प्रियजनों, हम ये संसारिक बातों को छोड़ते हुए हम उस लाजर के जैसा, हमारे पास कुछ भी रहेगा, हम प्रभु के साथ हमारा रिश्ता रिलेशनशिप अच्छा होते हुए, उद्धार पाते हुए संसार में हमारा यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का है। हम पूरा दुनिया का संभव को देखते कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। हम अपने आप को तैयारी करें इस पृथ्वी पे, न तो प्रभु आएगा, कभी भी आ सकता है। हम तैयारी से जो उद्धार पाया लोग, प्रभु उनको उठा लिया जाएगा। जो उद्धार नहीं पाए, इस पृथ्वी पर रहने पड़ेगा, महासंकट में रहने पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन हमको ये उद्धार के विषय में बताता है। उद्धार हमको धन दौलत के द्वारा नहीं मिलेगा, उद्धार हमको अच्छा कर्म के द्वारा नहीं मिलेगा, उद्धार हमको अच्छा एजुकेशन के द्वारा नहीं, उद्धार हमको अच्छा रहने के द्वारा नहीं मिलेगा, उद्धार हमारा परदादाओं के द्वारा नहीं मिलेगा। हम सोचेगा कि हमारा नाम, हम लोग पहले से क्रिस्ती हम लोग का, मगर प्रभु यीशु मसीह साहब बोला कि जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा
तो प्रभु के राज में नहीं जाएगा। तो इस बातों को हम याद रखें कि ये रिश्ता रिश्तेदार इस पृथ्वी पे हमको मदद है, मगर एक दिन वो सब रिश्तेदार सब टूट जाएगा। जब हम आगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते इब्रानियों 9:23 में और रोमियो 3:21 में इस बातों को हम लोग देख सकते हैं। तो प्रभु करे हमारे हृदय को आशीष करे कि हम अपने आप को उद्धार पाते हुए सांसारिक बातों से अलग होते हुए प्रभु ने बताया कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीने का है। हम प्रभु को देखते हुए प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। प्रभु करे इन वचन के द्वारा हमारे हृदय को आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो।